हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल भाई चैनल पे फिर से स्वागत है। खैर मकदम है एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। जी हाँ, जैसा कि भी आप जान रहे हैं आपका भाई ऑल इंडिया टूर पे है, तो आज आपका भाई जो आया हुआ है ना चंडीगढ़ आया हुआ है। जस्ट हमारे सामने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है और ये चंडीगढ़ के बाहर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। आप कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आपको ऑटो वगैरह बस वगैरह सब मिल जाएगा यहीं पर। मैं बता दूं कि अभी मैं ना यहाँ पे आपको दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक खाने का और एक होटल का। तो खाने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ खाना बहुत ही सस्ता है। अभी यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे वैन लगा रहता है, अभी वैन नहीं आया है, दो दो वैन खड़ा रहता है। मैं तो कल मतलब जब आया सुबह दोपहर रात मुझे हर टाइम यहाँ खाने को मिला सिर्फ 20 रुपया में 6 रोटी और एक कटोरी बढ़िया क्वालिटी का एकदम टेस्टी सब्जी मुझे मिला। अभी वो आता तो मैं दिखाता, अभी 9:30 हो गया है, वो आएगा ज़रूर। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी सोकर उठा हूँ, ब्रश किया, तब तो लगता है कि फ़र्स्ट ट्रिप ख़त्म हो गया है, फिर लाने गया होगा। तो मैं अगर वो मिल जाएगा इस दौरान तो मैं उसका शूट करके आपको दिखला दूंगा। लेकिन यहाँ पे खाना, कहने का मतलब यहाँ पे खाना आपको बहुत आसान है। चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, 20 रुपया में आपको 6 रोटी और सब्जी एकदम अच्छी क्वालिटी का, जी हाँ बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी का। मैंने कल में सुबह में भी खाया, दोपहर में भी खाया, रात में भी खाया, बहुत ही बढ़िया था। तो यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है, खिलाकर चला गया है, बट जैसे ही आएगा मैं दिखाऊंगा। उसके अलावा साथ ही साथ बोल दूं, अगर वो नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि इसी के सामने ब्लू रंग का देख रहे हैं वहाँ पे लेडीज़ हैं, वहाँ मैं अभी फ़िलहाल नाश्ता कर रहा हूँ। 20 रुपये में बड़ा साइज़ का पराठा, आलू का सूखी सब्ज़ी, वो भी मिल रही है इमरजेंसी में। अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा वेट कीजिए, अगर हड़बड़ी में है, जल्दी में है, तो आप यहाँ पर लेकर 20 रुपये में मैं भी नाश्ता करूँगा। तो बड़ा पराठा है, आलू का और सूखी सब्ज़ी है। तो इस तरीके से कहूँ तो यहाँ खाने का कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके बाद जो जानकारी दूंगा ना, होटल यहाँ पे ठहरना कितना मुश्किल है कितना आसान है, इसकी जानकारी मैं अगले ब्लॉग में दूंगा इसके बाद, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं नाश्ता कर लेता हूँ, मैं नाश्ता नहीं दिखाऊंगा, बस यकीन रखिए मैंने देखा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है पराठा और सूखी सब्ज़ी। 20 रुपये में एक सब्ज़ी मिलेगी और सूखी, और एक पराठा मिलेगा बड़ा साइज़ का 20 रुपये में। अगर वो रेड क्रॉस सोसाइटी वाला वैन नहीं है तब, अगर वैन से लीजिएगा तो 20 रुपये में 6 रोटी छोटी छोटी है मगर मोटी रोटी है और अच्छी क्वालिटी का भर कर एक कटोरा बड़े कटोरे से सब्जी। तो यहाँ खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाना बहुत आसान है चंडीगढ़ में। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।